अभी हाल ही में YouTube की तरफ से एक नई अपडेट आई है। उनकी तरफ से सारी अपडेट अच्छी होती हैं, लेकिन बैड इम्पैक्ट तो हम लोगों के ऊपर पड़ता है, जो क्रिएटर्स होते हैं उनके ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ता है। फिलहाल के लिए जो अभी अपडेट आई है वो शॉर्ट्स क्रिएटर्स जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और लॉन्ग पे कम पड़ेगा। फिलहाल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो, चाहे वो शॉर्ट्स क्रिएटर हों चाहे लॉन्ग क्रिएटर्स हों। अभी आप लोगों के YT स्टूडियो पर भी एक नोटिफिकेशन देखने को मिली होगी, कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन थे सभी के YT स्टूडियो पर आए, चाहे वो शॉर्ट्स क्रिएटर हों चाहे वो लॉन्ग क्रिएटर्स हों। नोटिफिकेशन कुछ इस तरह से, स्टार्टिंग ऑन 31st अगस्त टू हेल्प प्रोटेक्ट द यूट्यूब कम्युनिटी URLs इन शॉर्ट्स कमेंट्स एंड शॉर्ट्स डिस्क्रिप्शंस विल नो लॉन्गर बी क्लिकेबल, दिस चेंजेस विल बी रोल्ड आउट ग्रेजुअली। ये जो आपको मैंने अभी स्क्रीनशॉट दिखाया, ये नोटिफिकेशन आई है बहुत से लोगों के पास, लेकिन बहुत से लोग कन्फ्यूज हैं कि ये नोटिफिकेशन क्यों आई है हमारे पास और इसका मतलब क्या है। शॉर्ट्स हमारे पास नहीं है, या फिर हम लॉन्ग वीडियोस अपलोड नहीं करते हैं, या फिर शॉर्ट्स अपलोड नहीं करते, फिर भी सभी के पास ये नोटिफिकेशन आई, तो इस नोटिफिकेशन का क्या मतलब है, यूट्यूब का ऐसा कौन सा अपडेट है जो बहुत ही बुरा होने वाला है सारे क्रिएटर्स के साथ में। तो मैं आपको अभी लैपटॉप स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और जो YouTube की ऑफिशियल वेबसाइट्स वगैरह होती हैं वहाँ से मैं आपको बताता हूँ, वो सारी चीज़ें समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। चलिए मैं आ जाता हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर देख सकते हो YouTube हेल्प की मैंने वेबसाइट ओपन कर रखी है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है, देखिए सम अपडेट्स टू लिंक्स ऑन यूट्यूब, कुछ अपडेट्स आई हैं। यहाँ पर मैं वन बाय वन सारी चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए सिंस इंट्रोड्यूसिंग शॉर्ट्स 2 years ago, जब से शॉर्ट्स बना हुआ है, द वॉल्यूम एंड स्पीड ऑफ कंटेंट पब्लिश्ड ऑन यूट्यूब हैज़ इंक्रीज्ड इन फन एंड एक्साइटिंग वेज, एट द सेम टाइम दिस स्पीड एंड लेवल ऑफ एंगेजमेंट हैज़ मेड इट ईजियर फॉर स्पेमर्स एंड स्कैमर्स टू शेयर लिंक इन शॉर्ट्स कमेंट्स एंड शॉर्ट्स डिस्क्रिप्शन दैट हार्म द कम्युनिटी, फॉर एग्जाम्पल क्लिकेबल लिंक्स दैट ड्राइव्स यूजर टू मालवेयर फिशिंग और स्कैम रिलेटेड कंटेंट। मतलब यहाँ पर दोस्तों ये जब से शॉर्ट्स बना हुआ है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो चली है शॉर्ट्स में, बहुत से लोग शॉर्ट्स बना रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प होती थी कि अगर हम शॉर्ट्स वीडियो भी बना रहे हैं और लॉन्ग वीडियोस भी बना रहे हैं, या फिर शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हैं उसमें कुछ हमको ऐसी चीज़ समझानी है जो हम लॉन्ग वीडियोस पर समझा सकते हैं, शॉर्ट के माध्यम से हम लोग लोगों को इंगेज करते थे। अब जब भी हम लोग शॉर्ट्स वीडियो बनाते थे तो उस शॉर्ट्स में या तो हम कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट में कोई लिंक मेंशन कर देते थे या फिर कोई डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते थे, लेकिन अब यूट्यूब का क्या कहना है कि अगर आप पिन कमेंट में कोई भी ऐसी लिंक लगा रहे हो तो उस पर आप क्लिक नहीं कर पाओगे, कोई भी व्यूअर या कोई भी यूज़र आकर उस पर क्लिक नहीं कर पाएगा क्योंकि वो क्लिकेबल नहीं होगी, क्लिक करने के योग्य नहीं होगी। सेम वैसे अगर आपकी कोई भी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी तब भी वो क्लिकेबल नहीं होगी, मतलब अब आप कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं लगा सकते। तो पहली चीज़ तो ये, अगर आप शॉर्ट्स वीडियो क्रिएटर हो तो इससे हम लोगों को नुकसान ये हो रहा है कि अगर हम शॉर्ट्स वीडियो बनाते थे और लॉन्ग वीडियोस की लिंक हम उसमें मेंशन करना चाह रहे थे तो वो बंद हो जाएंगी, बिल्कुल बंद हो जाएंगी, किसी भी तरह से आप लिंक नहीं डाल सकते हो। अगर आगे बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्टिंग ऑन August 31st 2023, मतलब 31 अगस्त 2023 से ये सारी चीज़ें शुरुआत हो जाएंगी, फिलहाल ये लागू अभी से हो गई। लिंक्स इन शॉर्ट्स कमेंट, शॉर्ट्स कमेंट्स में लिंक्स नहीं होंगी, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं अलाउंगी एंड लिंक्स इन द वर्टिकल लाइव फीड विल नो लॉन्गर बी क्लिकेबल। अगर आप वर्टिकल लाइव चलाते हो, मतलब पोर्ट्रेट में जैसे हम लोग शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं, अगर उस तरह की लाइव भी है तब भी अगर आप उसमें कोई कमेंट करते हो लिंक वाली तो वो भी क्लिकेबल नहीं होगी। बहुत से लोग चैनल का प्रमोशन करते थे लिंक मेंशन करके तो वो नहीं हुआ, ऐसा क्यों यूट्यूब ने किया ये भी मैं लास्ट वीडियो में बताऊंगा और किसको इससे फ़ायदा और किसको नुकसान ज़्यादा होगा वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। इसकी वीडियो मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को यूट्यूब में प्रॉब्लम तभी आती है जब आप उसकी अपडेट्स को कोई भी नहीं समझते हो। वीडियो शायद बहुत ही बड़ी होगी लेकिन पूरी तरह से मैं एक्सप्लेन करूँगा, अगर आप ये वीडियो समझ जाओगे तो शायद आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम आपको ना हो। चलिए आगे मैं बताता हूँ, इसमें लिखा है दिस चेंजेस विल रोल आउट ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे ये चेंजेस में बदलाव हो रहे हैं। वी आर ऑल्सो रिमूविंग द क्लिक सोशल मीडिया आइकन्स फ्रॉम ऑल द डेस्कटॉप चैनल बैनर्स एज दिस कैन बी अ सोर्स ऑफ मिसलीडिंग लिंक्स। इनका कहना है कि जो हम लोग YouTube बैनर, जो ऊपर आप देखते थे YouTube बैनर होता था, अगर हम डेस्कटॉप वगैरह या लैपटॉप वगैरह पर ओपन करते तो बैनर के साइड कॉर्नर में नीचे हम लोगों की सोशल मीडिया लिंक्स मिल जाती थी, जैसे कि Instagram, Facebook, Twitter हम लोग लिंक लगा देते थे। अब YouTube का कहना है भाई YouTube जो अपडेट कर रहा है उसमें वो लिंक आप नहीं लगा सकोगे, वो क्लिकेबल नहीं होंगे।
इसलिए नहीं लगा सकोगे, बोल रहा है यूट्यूब कि उसमें बहुत से लोग फ्रॉड करते थे, स्पैम करते थे। लोग क्या करते थे, इंस्टाग्राम या फेसबुक ट्विटर की जगह पर कोई ऐसे फिशिंग लिंक लगा देते थे या गलत वेबसाइट की लिंक लगा देते थे, जिससे व्यूअर जाता था और क्लिक करके वो दूसरी वेबसाइट पर पहुंच जाता था जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मिसलीडिंग होती थी इस वजह से। और आगे अगर हम बात करें, यहाँ पर लिखा न्यू वेज फॉर क्रिएटर टू शो केस इंपोर्टेंट लिंक। अब हम लोग भाई अगर लिंक लगाएंगे नहीं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए भाई इंपॉर्टेंट रहती हैं, कुछ चीज़ों का प्रमोशन करना होता है या कोई भी इंपॉर्टेंट लिंक भाई लगानी हो तो कैसे लगाएंगे। तो YouTube बोल रहा है न्यू वेज फॉर क्रिएटर टू शोकेस इंपॉर्टेंट लिंक्स, हम लोगों की बात रखते हुए बता रहा है कि हम इसका एक नया तरीका, एक अच्छा और बेहतरीन तरीका निकाल लाएंगे और वही आप लोगों को देंगे। ये जो तरीका था इससे बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड हो रहा था। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है, प्रोमिनेंट क्लिकेबल लिंक्स ऑन चैनल पेजेस, मतलब बिगनिंग अगस्त 23rd 2023 viewers on mobile and desktop will start seeing prominent clickable links on creators channel profiles near the subscribe button। मतलब जो आपकी अबाउट में पहले लिंक होती थी, आपने अबाउट चैनल में लगा रखा था इंस्टाग्राम ट्विटर या फिर फेसबुक की, वो लिंक अब हटा दी जाएंगे। मतलब अब जो लिंक आ रही है वो आपका जो चैनल का नाम है, जो सब्सक्राइबर बटन है, उसके नीचे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर यूट्यूब बोल रहा है, जैसे कि यहाँ पर टीम यूट्यूब लिखा है और ये आपका सब्सक्राइबर्स कितना हुआ। फिर यहाँ पर जो आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो उसके नीचे देखिए यहाँ पर लिखा सपोर्ट गूगल डॉट कॉम, अगर आपने जो लिंक लगा रखी वो यहाँ पर आएगा सब्सक्राइबर बटन के थोड़ा सा ऊपर, तो वहाँ से अब ये हट जाएंगे, यहाँ पर लिंक आ जाएंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको कुछ लिंक देखने को मिलेंगे, जितनी आप लिंक मेंशन कर लोगे ये लिंक्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आगे बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कनेक्टिंग शॉर्ट्स एंड अदर टाइप्स ऑफ यूट्यूब कंटेंट। मतलब कभी कभी क्या होता था, हम लोग कोई वीडियो ऐसे बनाते थे जो पार्ट में होती थी तो उसका हम शॉर्ट्स बनाते थे या उसके अगले पार्ट होते थे तो हम लोग लिंक लगा देते थे, लेकिन वो लिंक तो अब क्लिकेबल नहीं होगी। तो यूट्यूब बोला है कि हम कुछ ऐसा तरीका निकालेंगे जो आपका शॉर्ट्स वीडियो का लिंक ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा या आप वहाँ पर एक लिंक मेंशन कर सकते हो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वी ऑल्सो नो दैट क्लिकेबल लिंक्स हेल्प क्रिएटर्स डायरेक्ट दियर शॉर्ट्स ऑडियंस टू अदर टाइप्स ऑफ कंटेंट। मतलब इनको पता है कि आप शॉर्ट्स से दूसरे तरह के कंटेंट से अट्रैक्ट करते हो ऑडियंस को, लाइक दियर लॉन्ग फॉर्म वीडियोज, मतलब आप शॉर्ट से लॉन्ग फॉर्म वीडियोज में ले जाते हो। बाई द एंड ऑफ सेप्टेम्बर, सितंबर के एंड के अकॉर्डिंग वी विल स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग अ सेफर वे फॉर क्रिएटर्स टू डायरेक्ट व्यूवर्स फ्रॉम शॉर्ट्स टू डियर कंटेंट दियर अदर यूट्यूब कंटेंट। मतलब ये आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे अच्छे से। यहाँ पर है रिड्यूसिंग स्पेम बियोर लिंक्स, मतलब अब क्या बता रहा है कि क्यों हटा रहे हैं, रिड्यूसिंग स्पेम बियोर लिंक्स, मतलब लिंक के माध्यम से जो स्पेम हो रहे थे उसको कम करने के लिए। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी अपडेट थी जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अगर आप शॉर्ट्स चैनल चला रहे हो तो वो लिंक अब क्लिकेबल नहीं होगी, इसमें आप ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो लिंक क्लिकेबल नहीं है तो YouTube एक नया तरीका निकाल कर लाएगा और आप सभी को वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएगा। फ़िलहाल के लिए जो शॉर्ट्स क्रिएटर उनके लिए अभी फ़िलहाल के लिए प्रॉब्लम तो बन जाएगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उनकी व्यूज़ भी डाउन हो जाएंगी, जिससे वो लिंक से अपनी व्यूज़ बढ़ाते थे या कोई भी प्रमोशन करते थे, तो उनको प्रॉब्लम तो आनी है फ़िलहाल के लिए, जब तक अगर YouTube नया कोई अपडेट लेकर नहीं आता है। और जो आपके अबाउट की लिंक थी वो भी हट गया, वहाँ पर आ जाएगी। तो अब YouTube ने तो अपने अकॉर्डिंग ये अपडेट सही ही किया, क्योंकि उनको जो अपडेट करना हो वो सही तरीके से ही करेंगे, उनको जो सही लगेगा वही भाई अपडेट करते हैं। बताना तो आपको है कि आपके लिए अपडेट सही है या फिर गलत है, या कितने मायने में अपडेट हटा देने चाहिए और जो नए अपडेट लागू होने वाले उनको नहीं लाना चाहिए। क्या आपकी राय है, अपडेट सही है या फिर गलत, वो सारा आप कमेंट में बताइए। और अगर इससे रिलेटेड कोई आगे अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, इसलिए अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कोई भी अपडेट नहीं छूटनी चाहिए, अदरवाइज़ आगे YouTube चैनल में प्रॉब्लम्स होती है तो आप लोग इधर उधर दौड़ते घूमते हो और YouTube पर सर्च करते हो ये प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो रही, वो प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो रही। इसलिए जो क्रिएटर्स की भी वीडियो देखते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी ही वीडियोज़ देखो, जिस क्रिएटर की भी वीडियोज़ देखते हो नोटिफिकेशन आइकन उसका ऑन कर लेना और जो भी नया अपडेट आपको देते हैं वो लेते रहना। आपका चैनल कैटेगरी कोई भी हो, एजुकेशन हो, कॉमेडी हो, एंटरटेनमेंट, कुछ भी हो, मैटर नहीं करता, लेकिन यूट्यूब के अपडेट से आपको वाकिफ होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को भाई लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर जरूर ऑन कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक ले जय हिंद जय श्री श्याम।